और यहाँ पे इंटेस्टाइन का रेसिपी देखिए। वाह, तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है दोस्तों, और यहाँ पे आ चुका है साग सब्जियाँ जो भी है, तो मोनू दोस्त खाने के लिए रेडी। थैंक यू रूपम, अरे ऑलवेज वेलकम। फिर से जिंदा कर दिया यूट्यूब में इसको, जो है जो एंड्रॉइड फोन है उसको दे दिया, अभी उसी से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हम लोग अपलोड करते हैं वीडियोस, अपना ब्लैक पैंथर को यहाँ पे रखते हैं, और ये देखो अमित दोस्त साथ में आए हैं हम दोनों। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी अभी सोके होते हैं, लेकिन भयंकर बारिश हो रही है रात पर, इतनी भयंकर बारिश, देखिए ना इतना जोर से बारिश हो रही है, पूरा पानी पानी हो गई यहाँ पे। रात पर बारिश इतना दिया कि पानी पानी हो गई, पूरा खेत में भी पानी हो गया और सुबह सुबह पंपम पहुंच चुका है, क्योंकि मोनू दोस्त जो है यहीं पे हमारे घर पे सोया, तो उसको जो है पहुंचाने जाएगा ये वाले गाड़ी पे। अरे इतना देर क्यों लगा सो के उठने में? बारिश दे रहा है ना, इसलिए साथ में गर्लफ्रेंड होना चाहिए था ना, ऐसे बारिश में रोमांटिक। हम लोग वर्जिन है, नाम ही चेक करेगा। इसका नया नाम वर्जिन। और इसे देखो कात रहा है मुझे। एक काम करते हैं, हमारा गावुच्चे खाने के लिए रेडी है बिल्कुल। उसके लिए यहाँ पे मैं चावल रेडी कर रहा हूँ दूध के साथ, आज तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं है, तो आज दूध से मैं ही इसको मतलब खाना खिलाऊंगा। यहाँ पे अपना मोनू दोस्त के लिए मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, और ये देखो ठंडा लग रहा है, इससे पूरा आग में सेकने के लिए आ गया। और दीदी यहाँ पे सब्जी, सुबह सुबह सब्जी की तैयारी कर रही है, और जेरी फ्रेश अप हो गई है कद्दू एंड कद्दू के साथ होगा आज का ब्रेकफास्ट। हाँ, तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है दोस्तों, और यहाँ पे आ चुका है साग सब्जियाँ जो भी है, तो मोनू दोस्त खाने के लिए रेडी। मिर्च की चटनी के साथ खाओ एकदम दवा दवा के, चलो खाते हैं हम भी। अरे पम पम हुआ, आओ खाना ना खाई, आओ। तो हम भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए कद्दू के साग और कद्दू की मिक्स सब्जी। जेरी नहीं खाओगे? खाओगे। अच्छा, जेरी के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा रख दिया है, जेरी जो है पता नहीं पूरी उरी कुछ बना रही होगी, तो अभी हम खाते हैं। तो हम खा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे पम्पम्बुआ भी आ चुका है एकदम बड़े वाले थाली पे, मोनू का ऑलरेडी हो चुका है, और जेरी भी आ चुकी है। जेरी चावल नहीं खाएगी, ये रोटी खा रही है, तो अभी खाओ भाई। अभी ये तिनसुकिया जाने वाला है, मिर्चा दो, मिर्चा दे दियो। तू तिनसुकिया जा रहा है ना, पैसा बचेगा यहाँ से खाना खा के जाने से। पहले सोचा था मना खाएगा कि नहीं खाएगा, बाद में नहीं तो आधा रास्ता में कम से कम 100 रुपया चला जाएगा। बारिश हो रही है ना, तो खाना वाना खाने के बाद अभी अपना मोनू दोस्त रेडी हो चुका है जाने के लिए, और पम्पमुआ भी इधर रेडी, और उसका बाहुबली थाली भी लेके जा रहा है। हाँ ठीक है, जाओ अच्छे से। तो अभी जा रहे हैं मेरे दोस्त लोग, अभी पूरा अकेला अकेला हो चुका हूँ घर पे, बारिश हो रही है, कहीं पे भी नहीं जा सकते। वैसे उसका साथ बुला रहा है, लेकिन नहीं जाऊंगा, ज्यादा ही लेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी भी बेचारी अकेली हो जाएगी ना। चलो अभी हम रेस्ट कर लेते हैं, सफाई वफाई कर लेते हैं। बारिश बहुत दे रही है, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है गाइस। और अभी फिर से जेरी यहाँ पे आई है, जो भगवान को खाना वगैरह हम लोग परोसते हैं रोज सुबह, उसको जो है फेंकना पड़ता है, मतलब एक दो घंटे के बाद, तो वो फेंक रही है, और उस फेंके हुए खाना को जो है चावल को चिड़िया वगैरह खाते हैं। अभी दोपहर का वक्त है दोस्तों, और हम पूरा सो गए थे मैं और जेरी, तो अभी हम जाएंगे मार्केट, मार्केट से खुद सब्जियां वगैरह खरीद के लेके आएंगे, और डिनर की तैयारी करेंगे, और गावुच्ची को अकेले छोड़ के जाएंगे। और गावुच्ची का क्या हो गया दोस्तों, खाना वाना बहुत कम खाता है और पतला हो चुका है, तो उसके लिए दवाई वगैरह भी लेके आना पड़ेगा। क्या हो गया पता नहीं यार, मतलब ये यार तुम इतना पतला क्यों हो रहे हो। अभी हम मार्केट में पहुंच चुके हैं दोस्तों, जेरी को जो भी सामान वगैरह लेना था उसने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया एक्चुअली उन्होंने पोर्क एंड पोर्क के इंटेस्टाइन वगैरह। तो अभी आए हैं ब्रेड लेने के लिए, ब्रेड एंड बटर खाने का मन कर रहा है बहुत दिनों से, तो लेके जाते हैं। दो पैकेट ले लो। हाँ, हम गाँव में पहुंच चुके हैं दोस्तों, और मानवी को आधे रास्ते पे मिल गए, इसको एक पैकेट ब्रेड दे दिया। थैंक यू बोलो। हाँ थैंक यू काका, वेरी गुड। ये देखो मेरा भी दो पैकेट लाए थे हम लोग, एक इसके लिए एक हमारे लिए, तो अभी चलते हैं, चलो।
अभी हम घर भी पहुंच गए दोस्तों। मौसम का हालत ऐसा है, बिल्कुल बोरिंग है। ऐसे में जो है हमें वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि कंटेंट की भी कमी होती है। अगर हम वीडियो भी बनाए तो क्या बनाए यार, कंटेंट तो चाहिए कुछ, तभी तो आप लोग देखोगे। तो बस ऐसे ही अपना घर का ये कर रहे वो कर रहे, कितना देखोगे यार आप लोग भी। तो ये बारिश देने से बहुत मतलब नुकसान हो जाता है हमारे लिए, तो इसलिए इसी वजह से मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोग को मालूम होगा बारिश कितना होती है यहाँ पे। आप लोग गूगल पे भी सर्च करना, इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, वो है नॉर्थ ईस्ट में मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश में, मतलब मेघालय के बराबर में होती है यहाँ पे। बस साल में कितने महीने बारिश होती है, लगभग 9-10 महीने बारिश होती है यहाँ पे। बस विंटर पे 2-3 महीने बारिश नहीं होती है, उसके बाद तो बारिश ही बारिश यहाँ पे। ये देखिए ना मौसम अभी पूरा, क्या करें अभी। अभी तो डिनर की तैयारी करना पड़ेगा, अभी से दिन रहते हैं क्योंकि हम लोग जल्दी डिनर करते हैं। तो कुछ भी करना नहीं है, बस आप लोग प्यार देते रहिए। अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो मत देखिए, वो आपके ऊपर है। अगर आपको पसंद आता है, आपको देखने मन होता है तो ही देखिए, ठीक है। है कि नहीं? हाँ, घर पे बहुत ही बोरिंग लग रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, पॉट जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खरीद के लेके आया। एक्चुअली हम लोग जो ज्यादा अमाउंट पे लाए थे वो है इंटेस्टाइन वगैरह। आज इंटेस्टाइन की रेसिपी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन को यहाँ पे बॉईल करना पड़ता है, उसके बाद जो है इसकी सब्जी हम लोग जो अच्छे से पकाएंगे। ये वाला रेसिपी आप लोग को पूरा दिखाऊंगा, आप लोग बस देखते रहिए। भूख लग रहा है बहुत जोर से दोस्तों, इसलिए मैं अभी बनाऊंगा ब्रेड, क्योंकि बहुत भूख लग रहा है। तो टाइम जरा सा लगेगा ये पॉट वगैरह पकने के लिए, तो तब तक मैं ब्रेड बना के खाऊंगा बटर के साथ। और हमारा अमित दोस्त भी आ चुका है। और ब्लॉगिंग कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया, थैंक यू रूपम, अरे ऑलवेज वेलकम। फिर से जिंदा कर दिया यूट्यूब में इसको जो है, जो एंड्रॉइड फोन है उसको दे दिया, अभी उसी से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और ये बहुत लकी है गाइस, इसके हाथ में जाते ही ठीक हो गया। ये इसे मतलब पानी में गिर के खत्म हो चुका था, ये आवाज पूरा नहीं आ रहा था, बिल्कुल साइलेंट। अभी ठीक हो गया ना? बढ़िया से करो, अभी आगे बढ़ो ब्लॉगिंग। थैंक यू। तो मैं अभी ब्रेड बनाता हूँ, गरम गरम। वाओ, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी। और गाबुच्चे तो खा लिया, गाबुच्चे तो पॉट के साथ खाएगा ना रात को। अभी बटर ब्रेड रेडी हो चुका है दोस्तों, अभी खाते हैं, थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लेते हैं। अमित दोस्त खा लो। हाँ खा रहे हैं। थैंक यू। अभी इंटेस्टाइन वगैरह बॉयल कर दिया दोस्तों, अभी बॉयल करने के बाद इसकी साफ सफाई चलेगा और उसके बाद पकाएंगे। ये देखो अभी दीदी अभी साफ सफाई करेगी, मुझे तो उतना अच्छे से नहीं आता है, तो दीदी एक्सपर्ट है ये सब में, मैं तो बस इसको रोस्टिंग करूंगा इसको। अभी अपना अमित दोस्त भी चला जाएगा, ठीक है, बाय बाय, अच्छे से जाना और अच्छे से ब्लॉगिंग करना। वेलकम वेलकम। और अभी आप लोग को दिखाता हूँ हम लोगों का छोटा सा खेत दोस्तों। अभी जो है बहुत धीरे धीरे खेती में जो है हम लोग का बहुत सारी सब्जियां उग रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है अलग ही वैरायटी है, ना ही लाई पत्ता है, ना ही ये जो है आपका सरसों के साग है, ये अलग ही है। ये जो है मीठे होते हैं, ये तेज में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत खाया जाता है। तो बाहर में दूसरे मतलब स्टेट में खाते हैं कि नहीं पता नहीं, मिजोरम में भी खाते हैं। तो मिजोरम में कहते हैं इस वाले साग को जो है फेरेम साग, और हम लोग कहते हैं मर साग अपने लैंग्वेज में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। और पता नहीं असमिस में क्या कहते हैं, असम में भी बहुत खाते हैं। और ये वाला जो है लाई पट्टा है, लेकिन ये लाई पट्टा अभी तक मैच्योर हुए नहीं है, काफी टाइम लगेगा और बड़े बड़े हो जाएंगे। ये बहुत छोटे हैं, तो जैसे बड़े हो जाएंगे ना मजा ही आ जाएगा। और वैसे भी आज बारिश हुई है ना, तो अभी तो पूरा फटाफट से उग जाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। और हम लोगों ने जो है बहुत सारी खेती की है, वो सब भी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लीची का पेड़ लगा दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे मटर के साग है, देखिए मटर के साग भी धीरे धीरे अभी उग रहे हैं। यहाँ पे भी है मटर के साग, तो जैसे मटर तैयार हो जाएंगे आप लोग को पूरा दिखाऊंगा। और यहाँ आगे में है हम लोग के मूली के साग, और मूली के साग को पूरा लाइन लाइन करके ये देखिए ऐसे, मतलब अभी थोड़े दिन बाद यहाँ पे मूली तैयार हो जाएंगे। अभी साग खाने के लिए मतलब रेडी हो चुके हैं, अभी साग खा सकते हैं, लेकिन मूली खाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी भी। और यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ मैं बीन्स दोस्तों, ये जो है राजमा बीन्स है। तो यहाँ पे बीन्स वगैरह है, ये देखिए वाह। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करते, ना ही फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उस कारण देखिए कीड़े मकोड़े यहाँ पे बर्बाद कर देते हैं। जितना भी कीड़े मकोड़े बर्बाद कर दो, हम लोग जो है ऑर्गेनिक खाते हैं, तो यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह यूज नहीं करते। हम लोग जो है दवाइयाँ अगर यूज करते हैं, वो जो है बस हर्बिसाइड है, घास फूस मतलब जो भी है ये इसको मिटाने के लिए वो यूज करते हैं, बाकी हम लोग यूज नहीं करते। और यहाँ पे जो है गाजर है, तो ये देखिए गाजर के पौधे, यहाँ पे छोटे छोटे गाजर के पौधे। लेकिन जो है अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ सफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको साफ सफाई करने में, धूप देने से हम लोग साफ सफाई करेंगे। और यहाँ पे धनिया पत्ता की खेत है, ये भी छोटे छोटे आए हैं, अभी छोटे छोटे हैं, पता नहीं कहाँ पे। हाँ ये देखिए धनिया,
यहाँ पे उग चुका है, लेकिन इसको भी साफ सफाई करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इंटेस्टाइन की मतलब साफ सफाई चल रहा है। दीदी अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद पकाएगी, पूरा दिखाएंगे, वाह मजा आएगा। ये बिल्कुल चाइनीज वीडियोस में वो फेसबुक वगैरह में आता है वैसे लग रहा है, सेम टू सेम। ये वाला बहुत टेस्टी होता है। अभी मैं पोर्क को रोस्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखो डंडे में डाल रहा हूँ, और गावच्चे को देखो इतना डिसिप्लिन से देख रहा है। पहले पहले जब लाया था पूरा अनडिसिप्लिन था, इसको मैंने डिसिप्लिन कर दिया। तो इसको रोस्टिंग करके खाएंगे हम लोग। वैसे बहुत कंटेंट की कमी हो गई है दोस्तों, बार बार आप लोग भी बोर हो जाओगे ना ये देखते देखते कि कितना बार दिखाओगे पोर्क 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 पोर्क। आप लोग बोल सकते हो लेकिन क्या करें, अगर आप लोग को पसंद आता है तभी देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, अगर पसंद नहीं आता है तो मत देखिए, सिंपल है। खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। ज्यादा दिख रहा है ऐसे स्टिक में डालने से, ज्यादा दिख रहा है लेकिन ये पकने के बाद कम हो जाएगा। हाँ, रोस्ट करने से थोड़ा सा हो जाता है। अभी यहाँ पे पोर्क को रोस्टिंग होने के लिए दे दिया दोस्तों, ये देखिए वाह मजे से रोस्टिंग हो रहा है, बहुत ही टेस्टी होती है यार। मैं तो हमेशा रोज खा सकता हूँ यार ऐसे रोस्टिंग करके, बहुत ही टेस्टी होती है। ये रेस्टोरेंट में जाने से ना ये 1000 रुपये में होगा भाई, हमको मिला है ये केवल 100 रुपये में। और यहाँ पे इंटेस्टाइन का रेसिपी देखिए, वाह एकदम बढ़िया से। दीदी जो है मास्टर शेफ है इसके मामले में, इंटेस्टाइन वगैरह पकाने में इसका जो है बहुत अलग अलग तरीके का रेसिपी बनता है। बस इसमें जो है प्याज लहसुन देख के इसको तेल में फ्राई कर रहे हैं, और भी बहुत सारे रेसिपी है इसके, लेकिन ये वाला बेस्ट लगता है हमें। मुझे और भी आती है। और यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल का सब्जी दोस्तों, इसका क्या पत्ता बोलता था मैं भूल गया, लेकिन बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये खाने से जो है रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं फुजोक फडा, बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें नाम भूल गया, गूगल पे सर्च करके मैं जरूर से चेक करूंगा इसका नाम, आप लोग जरूर से बताना अगर आप लोग को मालूम है तो। और मम्मी भी आ चुकी है, यहाँ पे लेके आई है फिडल हेड फर्न, और यहाँ पे ड्राइड बम्बू सूट, वाओ मजा आएगा ड्राइड बम्बू सूट। फिर से यहाँ पे बम्बू सूट बॉईल किया है दोस्तों, इसे जो है चटनी खाएंगे। तो यहाँ पर मिर्च की चटनी रेडी हो रही है, और ये देखो यहाँ पे बम्बू सूट। अभी डिनर तैयार हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए इसे, ये जो है इंटेस्टाइन की सब्जी एकदम बहुत ही बढ़िया से दीदी ने बनाया, और मम्मी ने जो सूखे वाले ड्राइड एकदम बम्बू सूट लाए उसकी भी चटनी बनाई है। और यहाँ पे देखिए ये जो है रोस्टेड पोर्क एकदम रेडी है, सभी लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, देखो वाह। हम लोगों का डिनर भी हो चुका है दोस्तों, लेकिन आज नेटवर्क इतना खराब है, इतना खराब है बिल्कुल भी, यहाँ पे जो है कॉल पे भी बात नहीं हो पा रहा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है आलूबारी में। आलूबारी में इतना रात को मैं और अमित दोस्त जाएंगे, वहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद वहाँ से आ जाएंगे। एंड मेरा जो है एक और वीडियो है मेरा, मैंने जो है कंपनी वाला लोग को सेंड किया था जो कि अप्रूव नहीं हुआ है, तो उसका वजह से उसको जो है री अपलोड करना पड़ा, तो मुझे आज जो है एक ही साथ में 2-3 वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। जेरी का भी एक ही साथ में वीडियो अपलोड करना है, तो अभी जाता हूँ। अभी ये लोग भी देखो रेस्ट कर रहे हैं, पूरा पेट के गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, और हम लोग का गावच्चे ने भी आज थोड़ा बहुत पेट भर के खाया। बाई बाई, मैं जा रहा हूँ अभी वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। अभी हम अड्डे पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहाँ पे हम वीडियो अपलोड करते हैं, और आज ठंड बहुत है ज्यादा। आजकल जो है ठंडा का सीजन शुरू होने वाला है, बारिश के बाद जो है पक्का ठंडा अभी शुरू हो चुका है। और यहाँ पे देखो हम लोग अपलोड करते हैं वीडियोस, अपना ब्लैक पैंथर को यहाँ पे रखते हैं, और ये देखो अमित दोस्त साथ में आए हैं हम दोनों। सीता नहीं लग रहा बस, ठंडा नहीं लग रहा है, हाफ पैंट में भी आए हैं यार। मैं तो पूरा टोपी जल्दबाजी में ना, पूरा अंधेरा है देखिए दोस्तों। यहाँ पे जो है बम्बू ग्रुप्स है, यहाँ पे रोड है, और वहाँ पे कुछ कुछ घर वगैरह है, पूरा सुनसान इलाके पे आके हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर है, यहाँ पे भी नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो मेरा वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हुआ। तो अपना अमित दोस्त का जैसे तैसे हो गया, उसका थोड़ा सा लेंथ कम था, लेकिन मेरे जो वीडियोस होते हैं वो थोड़ा सा लेंथ लंबे होते हैं, 18-19 मिनट के होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो आप लोग को भी इसलिए जेरी का ब्लॉग भी कल देर से देखने को मिला होगा, क्योंकि जेरी का भी अपलोड नहीं हुआ अभी तक। अभी तो 7:50 हो चुके हैं, तो जेरी का 7:30 या 8 देती है, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं अभी 8:30 तक होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा ही मच्छर वगैरह है, तो अभी हम लोग घर जाएंगे, घर में जाके कोशिश करते हैं, हो पाता है तो करेंगे, नहीं हो पाता है तो क्या ही कर सकते हैं अभी ना। चले जाते हैं, बेचारा ये पूरा हाफ पैन में आया है, मच्छर वगैरह काट रहे, और खाना भी नहीं खाया अभी तक इसने, डिनर भी नहीं किया। चलो चलो, अभी मैं
घर पहुंच गया दोस्तों। आज तो परेशान हूँ बिल्कुल, कंटेंट भी बढ़िया नहीं बना है, ऊपर से वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ है, क्या करे यार जिंदगी। ओ का बच्चे यहाँ पे देखो नारी शक्ति पूरा पाफर बना के पाफर खा रहे हैं, वीडियो अपलोड नहीं हुआ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज तो भाई कंटेंट कुछ भी नहीं था, जो भी सामने आया बना दिया। आप लोग को पता नहीं पसंद आया कि नहीं आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।